दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे दो फिल्मों को लेके काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। ये दो फिल्म चर्चा में इसलिए क्योंकि ये दोनों फिल्म दो बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म है और आपस में क्लैश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन सर की मैदान फिल्म की और अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, जो कि ईद के ओकेशन पे रिलीज होने जा रही है और क्लैश करेगी आपस में। तो दोस्तों ये कितना अकलमंदी का काम है ये तो कोई नहीं बता सकता। उन्होंने क्या सोचकर ये क्लैश रखा है। पहले तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का अनाउंसमेंट हुआ था इसलिए फिल्म को मतलब वही डिजर्व करती है उस ओकेशन को, लेकिन बाद में मैदान वालों ने मतलब बोनी कपूर ने अजय देवगन के साथ मिलकर सेम डे पे रिलीज करना का जो डिसीजन लिया है वो बोनी कपूर को, तो वैसे भी अक्षय कुमार से कुछ प्रॉब्लम है ही सही, लेकिन फिर भी असलियत में बताता हूँ कि वो चाहते हैं मैदान फिल्म की जो हाइप है वो बढ़ी है, क्योंकि मैदान फिल्म इतनी बार पोस्टपोन हुई कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें से कम हो गया है। उन्होंने सोचा बड़े मियाँ छोटे मियाँ इतनी बड़ी फिल्म आ रही जिसका हाइप भी जबरदस्त है, उसके साथ अगर मैदान को रिलीज करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ मैदान फिल्म में कुछ बड़ी बात है, इसलिए इतनी बड़ी फिल्म के साथ वो क्लैश कर दी। लेकिन दोस्तों हो सकता है मैदान फिल्म भी अच्छी निकले लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मुकाबला नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोनों फिल्मों को नुकसान होगा, स्क्रीन काउंट भी कम होंगे, लेकिन फिर भी जबकि अजय देवगन और अक्षय कुमार सर अच्छे दोस्त हैं, सिंघम अगेन में साथ में भी आने वाले हैं, और अजय देवगन सर की तो कितनी सारी फिल्में आ रही है, एक तो औरों में कहां दम था, एक ये फिल्म है और एक फिल्म आ रही है उसकी शैतान, इतनी सारी फिल्म आ रही है, सिंघम अगेन, मैदान, मतलब ये साल पूरा अजय देवगन सर अक्षय कुमार को कॉपी करने वाले इतनी सारी फिल्में रिलीज करके। खैर फिर भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ का हाइप अभी भी बरकरार है और कल यानी 24 जनवरी 2024 को इसका टीजर भी रिलीज होने वाला है 10 बजे, मतलब फाइटर मूवी के साथ इसको बड़े पर्दे पे आप देख सकोगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का टीजर, और टीजर देखने के बाद इसकी हाइप का लेवल इतना ऊपर जाएगा कि मैदान तो उसको छू भी नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों हम एक बायस रिव्यूअर नहीं है, हम चाहते हैं दोनों फिल्में अच्छी निकले और जो भी फिल्म अच्छी निकलेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे बराबर से, अगर मैदान फिल्म अच्छी निकले तो उसको भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, फरवरी मार्च में मौका था, उस टाइम भी रिलीज कर सकते थे, लेकिन ये ओकेशन को ढूंढ रहे हैं, सिर्फ ईद इनको ओकेशन दिख रही है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन मार्च फरवरी में भी लाओ ना सोलो, अगर बिना ओकेशन के भी लाओ फिल्म को अगर, क्योंकि आपने डेट पहले अनाउंस नहीं करी थी मैदान की तो आप लोगों को दूसरी डेट पर आना चाहिए, फिर भी ये क्लैश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये फैसला कितना सही लगता है कितना गलत, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लेकिन फैंस के बीच तो झगड़ा हो जाएगा, अजय देवगन सर के और अक्षय कुमार सर के फैंस एक एक साथ थे लेकिन अब वो क्या है अलग अलग हो जाएंगे इस फिल्म के जो क्लैश की वजह से। पहले भी इन फिल्मों का क्लैश हुआ है अजय देवगन सर और अक्षय कुमार सर की फिल्मों के साथ, लेकिन इनको समझ में नहीं आता क्या करें हम। खैर कोई बात नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के टीजर का जो कि कल रिलीज होगा, आप वीडियो देखोगे शायद तब तक नेक्स्ट डे लग भी जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम जो एक और डिस्कशन कर लेते हैं कि जूनियर एनटीआर की फिल्म जो थी देवरा वो भी शायद पोस्टपोन हो सकती है, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, साथ में जो सूर्या की द गॉड लाइफ है वो तो रिलीज होगी सही, बाकी मुझे लगता है कि मैदान भी पोस्टपोन हो सकनी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या है। लेकिन फाइनली अजय देवगन सर ने भी इंस्टाग्राम आईडी पे अनाउंस कर दिया पोस्टर डाल के कि हाँ हम ईद पर ही आएंगे, मतलब देख लो बेवकूफी इनकी। बाकी जो भी है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है एजेफ मीडिया और मैं हूँ अभिषेक, ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसी न्यूज़ लाता रहूंगा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ से भी जुड़ी अपडेट लाऊंगा और मैदान से जुड़ी भी अपडेट आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।